भीगी भीगी रुत में तुम हम ये आप देख सकते हो। वैसे मरी हुई मछली देखें तो आपको क्या। ज़्यादा गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, या फिर आप कोई भी चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो गाइस मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया देने वाला हूँ। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने नहीं ले जा पा रहे हैं तो गाइस मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया जगह बताने वाला हूँ। आप आइए यहाँ पर बच्चों अभी और आप देखिए यहाँ पर कैसे कैसे आपको जगह मिल जाएंगी। गाइस देखिए मिल जाएंगी गाइस जगह, यहाँ पर काफ़ी सारी जगह हैं गाइस, लेकिन गुप्त आप लोगों को ढूंढनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू गाइस। फिश डेट फिश ये आप देख सकते हो। वैसे मरी हुई मछली देखें तो आपको क्या करना चाहिए मैं आप। हाँ तो गाइस जब भी आप ऐसे मरी हुई गई सॉरी गाइस, आपको यह असुविधा के लिए खेद है, लेकिन वो मछली इधर से उधर उड़ के आ गई थी। तो जब भी आप ऐसी मरी हुई मछली देखें तो आप एक ही बात कहें, चलो अब हमने बीच का बहुत सारा मजा ले लिया है, सी बीच का, और अब हम लोग घर जाने लग रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। बहुत ही मजा आई, बहुत ही मस्ती किया हमने, पूरा भीग गए ऊपर से नीचे तक। आप देख सकते हो रेत यहाँ पे लगा हुआ है मेरे पूरे टी शर्ट पे। अरे आप लोगों का रेत क्यों नहीं लगा हुआ यार? ओके ओके हाँ और अब आ चुके हैं, यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। आप देख सकते हो सड़कों पे गाड़ियाँ जाने लग रही हैं। एक कैमरे में थोड़ा पानी वानी चला गया है, थोड़ी सी पिक्चर थोड़ी सी ऊपर नीचे ब्लर आ रही है, बट कोई बात नहीं है। मेरे बाल देखो भीग गए हैं, ऐसे उलझ रहे हैं, और आप देख सकते हो लोग सड़कों पे इंजॉय कर रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ लेके निकले हुए हैं और फुल नेचर का मज़ा ले रहे हैं। पैदल चलते, पैदल मज़ा आएगा। अरे पास में यार, आप भाई मेरा चप्पल जो है ना एक तरफ से निकल गया यार, और मुझे चलने में बहुत दिक्कत आ रही है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग, मैं चप्पल का दुकान ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मैं चप्पल सिलवा, जहाँ पे सिलवा सकूँ। और कमरे पे जाने के लिए भाई ऑटो के पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो पैदल जा रहे हैं। आप लोग समझ सकते हो एक यूट्यूबर कितना स्ट्रगल मारता है तब जाके एक यूट्यूबर बनता है। और अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे नहीं नहीं नहीं, गलत है, नीचे आ जाओ नीचे। हाँ तो भैया अब हम लोग घर जा रहे हैं, रास्ते में हैं, और
ये अनुपम खेर के क्लासेस यहीं पे है ना, मुक्ति बिल्डिंग में। हाँ इसी में है मुक्ति, उसका मैं जानता हूँ। हाँ ये आपको सामने जो ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है जहाँ पे मुक्ति लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, यहीं पे अनुपम खेर, यहीं पे जो है अनुपम खेर की क्लासेस लगती है, जहाँ पे वो बच्चों को एक्टिंग का एक्टिंग की क्लासेस देते हैं। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे, यहाँ पे चलते फिरते हर गली में कोई ना कोई है इधर। मुक्ति ऑडिटोरियम, मुक्ति ऑडिटोरियम, यहाँ पे मुक्ति ऑडिटोरियम भी है इस बिल्डिंग के अंदर में। ये जो यहाँ बिल्डिंग है आपके सामने, यहाँ पे मुक्ति ऑडिटोरियम है इसके अंदर। हाँ दोस्तों फाइनली संडे का दिन बहुत अच्छा हो गया, बहुत ही मजा की। अब घर जा रहे हैं, तो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में जाके, आप लोग बताओ यार कि आपको ब्लॉग कैसा लगा और हम लोगों की सारी दोस्तों की एक्टिविटी कैसी लगी। और ऐसे ही ब्लॉग पाने के लिए अभी जल्दी से चैनल को बिना देर के हुए सब्सक्राइब करो यार। सड़कों पे एक बहुत बड़ा खतरा है मुंबई में, यहाँ पे जगह जगह ड्रेनेज है और उसके होल्स रहते हैं, कहीं घुस ना जाओ हम लोग, उसके अंदर ना चले जाए। ये भी भीगी भीगी रुत में हम तुम हम तुम चलते हैं चलते हैं रिम रिम झिम आहा आहा ओहो रुत में हम तुम चलते हैं भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओना, भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओना, ऐसी बरसातों में आओना बरसातों में याद रखना। हम थोड़ा चप्पल सिलवा के आते, काका से निकल गया। तुम्हारा पहला काम क्या बोल रहे काका? तुम्हारा पहला काम। हाँ अच्छा पहला ये, अच्छा ओ मतलब बाकी काम आपने पीछे छोड़ दिया, पहले मेरा करेंगे फिर दूसरा करेंगे। वो चप्पल टूटा हुआ था एक तरफ से घिसा ना, और हम लोग वर्सोवा बीच से पैदल चल के आ रहे हैं। तो कैसा लगा आपको वर्सोवा बीच घूम के? वर्सोवा बीच हमें बहुत अच्छा लगा आज। मजा आया? मजा क्या है, मजा फिर से लेना चाहते हैं? ये मजा मैं हिंदुस्तान की सारी जनता को देना चाहता हूँ। छतरी के नीचे बैठे हैं और बारिश में मैं अपने चप्पल को सिलवा रहा हूँ काका जी से। काका जी ने दूसरे चप्पल को छोड़ के सबसे पहले मेरा काम किया है, इस बात के लिए मैं तहे दिल से काका जी को धन्यवाद कहता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को आशा करता हूँ आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, और अपने दोस्तों को फैमिली फ्रेंड को शेयर कीजिए, और जिनको भी मुंबई की बारिश नहीं देखी है जिन्होंने, उनको दिखाइए यार जल्दी से जाके बिना देर किए हुए। तो फिर मिलते हैं अगले ही ऐसे किसी अच्छे से ब्लॉग में, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आप लोग अच्छे से अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और जहाँ भी रहिए बिंदास रहिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।